फ्रेंड्स सिविल अनिश चैनल को लाल कलर बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, साथ में नए नए वीडियो के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। फ्रेंड आज का जो मेरा टॉपिक है डेवलपिंग लेंथ एंड ओवरलैपिंग लेंथ में क्या डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस फ्रेंड्स होता है। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सिविल अनिश राज है नाम चैनल का। डेवलपिंग लेंथ डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, आपको 3D डायग्राम मिलेगा और 2D यहाँ पे समझा रहे हैं। डेवलपिंग लेंथ होता है, आपको एक मान लीजिए ये कॉलम है और ये बीम है, ये जो कॉलम का जो स्टीरअप था डायग्राम में मेरा उतना अच्छा है नहीं, लेकिन फिर भी हम डायग्राम से आप लोग को समझाने का कोशिश कर रहे हैं। ये मेरा जो कॉलम था ये बीम है और ये कॉलम है, तो इसमें इससे जो कनेक्ट हुआ है तो हम यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो लेंथ दे रहे हैं वही डेवलपिंग लेंथ होता है। ठीक, मतलब यहाँ से लेके ये कॉलम है, ये कॉलम के यहाँ से लेके और यहाँ तक बीम तक का जो लेंथ दे रहे हैं वो डेवलपिंग लेंथ होता है। ठीक, ये डेवलपिंग लेंथ है। कितना आदमी क्या करेंगे, बस यहीं तक देंगे, ये कॉलम के स्टीरअप तक ही देंगे। ये स्टीरअप है कॉलम का, कॉलम स्टीरअप है। ठीक, तो ये लेंथ कितना देना चाहिए वो डिपेंड करता है कितना कंक्रीट का ग्रेड है और स्टील का क्या ग्रेड है। स्टील का ग्रेड पर डिपेंड करता है ओके, स्टील के ग्रेड पे डिपेंड करता है, दूसरा कंक्रीट के ग्रेड पर डिपेंड करता है। ऐसे तो हम डेवलपिंग लेंथ 49D से जनरली 50D तक लेते हैं, ये फार्मूला है 49D से लेके 50D तक लेते हैं। ठीक, डेवलपिंग लेंथ इसका फार्मूला भी होता है डेवलपिंग लेंथ का, 5 σ/4 τ BD, ये भी फार्मूला होता है डेवलपिंग लेंथ निकालने का। तो ये ज़्यादा विस्तार रूप से जानने के लिए मेरा वीडियो बन चुका है, उस पर जाके आप लोग देख लीजिए, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और जनरली 49D से लेके 50D तक लेते हैं डेवलपिंग लेंथ। ये डी स्टील ऑफ डायमीटर है, स्टील का जो रॉड रहता है ना उसका डायमीटर है, डायमीटर मतलब व्यास, व्यास है स्टील का, ओके। दूसरा है ओवरलैपिंग लेंथ, जनरली इसका जो फार्मूला होता है 50D ही लेते हैं। ठीक, डी इक्वल टू डायमीटर ऑफ स्टील बार, ठीक, ओ फॉर ओवरलैपिंग है। इसका ओवरलैपिंग का
ये मेरे पास क्या है, एक स्टील है, ठीक। अब इसमें हमें ओवरलैपिंग मतलब 12 मीटर का जो स्टील था, 12 मीटर का मेरे पास जो स्टील था वो अब ख़त्म हो गया, क्योंकि मेरा बहुत बड़ा मतलब कि स्ट्रक्चर है, तो उसके लिए हम ओवरलैप जब करना रहेगा, ये बेंड करते हैं 45 डिग्री पे, और यहाँ से कनेक्ट करते हैं। फ्रेंड ये स्टील 12 मीटर का है, यहाँ से यहाँ तक इसकी साइज 12 मीटर है, ठीक, 12 मीटर का है। और जब ख़त्म हो गया 12 मीटर का बड़ा स्ट्रक्चर है, तो हम यहाँ पे ओवरलैपिंग किए, तो ये जो डिग्री बनेगा 45 डिग्री पे इसको बेंड करना है, और यहाँ से एक दूसरा रॉड देना है। अब हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ प्रोवाइड किए उसी को बोलते हैं ओवरलैपिंग लेंथ। जी हाँ मेरे दोस्तों, ओवरलैपिंग लेंथ बोलते हैं इसी को, ठीक। तो इसे डायग्राम मेथड से आपको हम अच्छी तरह समझ जाएंगे, आपको 3D डायग्राम दिखाएंगे, तो इसका भी डायग्राम दिखाएंगे। तो यही दोनों में डिफरेंस है, कैसे प्रोवाइड करते हैं। डेवलपिंग लेंथ में ऊपर की ओर नीचे की ओर मतलब बड़ा करके देते हैं, और जो स्टीरअप रहता है कॉलम का उससे कनेक्ट करते हैं, ठीक। और ये डेवलपिंग लेंथ बहुत जगह यूज होता है, स्लैब में भी कभी कभी और बीम में भी यूज होता है। फ्रेंड ऊपर जो कॉलम का स्टील है और बीम का जो स्टील है येलो कलर का, उसको नीचे की ओर झुका के ज़्यादा बेंड किया गया है लास्ट में, उसी को बोलते हैं डेवलपिंग लेंथ। और नीचे जो एक डायग्राम है उसको बोलते हैं ओवरलैपिंग लेंथ, 45 डिग्री पे बेंड करना रहता है। इसी के साथ मेरा टॉपिक समाप्त हुआ, मिलते हैं नए टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।